दही को तो वैसे आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी माना गया है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि दही हानिकारक हो जाता है। जैसे जिनको जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम हो रहा हो, उनके लिए दही बहुत हानिकारक है, क्योंकि उसका जो शीत गुण जो उसमें होता है, ठंडापन जो गुण होता है, उसके चलते दर्द उनका बढ़ जाता है। और गर्मी के सीज़न में दही वैसे लोग खा सकते हैं जिनको गैस नहीं बनता हो। नमक डालकर अगर दही खाते हैं तो उसमें गैस नहीं बनेगा, और ताज़ा दही अगर लेते हैं तो उससे भी गैस नहीं बनेगा। लेकिन अगर दही बासी हो गया, उसमें खट्टापन आ गया, तो वैसे दही को यूज नहीं करना चाहिए, वो फिर गैस बनाने वाली हो जाती है। और दही को अगर पतला करके यानी मट्ठा बना करके, और उसमें जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, सेंधा नमक, ये सब डालकर अगर लिया जाए तो गर्मी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। खास करके लू से बचने के लिए इस तरह का अगर पेय पदार्थ बनाकर पी कर अगर निकला जाए घर से, तो लू लगने की संभावना कम हो जाती है। अच्छा, मतलब दही खाने से पहले भी एक तैयारी कर लेनी कर चाहिए। लेनी चाहिए, उसको पतला बनाकर मट्ठा बनाकर लेना चाहिए। और अगर प्योर दही खाते हैं तो ताज़ा दही होना चाहिए, और उसमें नमक मिलाकर खाना चाहिए। तो कई लोग मानते हैं कि इसमें मोटापा भी बढ़ता है दही खाने से। दही खाने से मोटापा नहीं बढ़ता है, ऐसा ये अवधारणा सही नहीं है। अवधारणा सही है।